आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले मनीष सिसोदिया, फिर सत्येंद्र जैन, अब संजय सिंह के करीबियों पर भी ईडी ने छापेमारी की है। ये छापेमारी सुबह में हुई है। इसके बाद संजय सिंह ने सीधे तौर पर प्रतिक्रिया दी है। संजय सिंह ने सीधे तौर पर कहा है कि ईडी के अधिकारियों ने मेरे करीबियों यानी कि अजीत त्यागी और सर्वेश मिश्रा के यहाँ छापेमारी की। संजय सिंह आक्रामक रूप में नजर आए और संजय सिंह ने सीधे तौर पर मोदी सरकार का तानाशाही रवैया इसे करार दिया। इसके साथ ही संजय सिंह ने कहा कि सर्वेश मिश्रा के पिता कैंसर से पीड़ित हैं और कहीं ना कहीं मेरे करीबियों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। संजय सिंह यही नहीं रुके, संजय सिंह का सीधे तौर पर कहना है कि ईडी मुझसे पहले भी गलती मान चुकी है और कहीं ना कहीं ईडी जो है वो फर्जी जांच कर रही है। इससे पहले आपने देखा कि किस तरीके से मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अभी भी न्यायिक हिरासत में है और मामला कोर्ट में चल रहा है। हालांकि अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस पूरे मामले में क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि संजय सिंह ने सीधे तौर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टारगेट। कांग्रेस पार्टी के अधिकृत ट्विटर हैंडल के ऊपर कल एक ट्वीट की गई थी जिसमें राहुल गांधी की तुलना महाराष्ट्र के आराध्य देवत छत्रपति शिवाजी महाराज जी से की गई है। शिवाजी महाराज पर आधारित गाना चलता है और जिसमें राहुल गांधी के वीडियो बताया गया है और प्रशंसा की गई है और कहा गया है कि राहुल गांधी जी जो है ये शिवाजी महाराज जैसे है, जिसके चलते अब महाराष्ट्र में माहौल गर्माने लगा है। आज इसी मामले में छत्रपति संभाजीनगर में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से एक आंदोलन किया गया है जिसमें कांग्रेस पार्टी हो या राहुल गांधी हो इनका जोरदार विरोध किया गया है और इनके खिलाफ नारेबाजी की गई है। साथ ही में राहुल गांधी का पुतला भी फूंका गया है। ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस के ट्वीट में कुछ ऐसी अभद्र बातें की गई है, इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। जिसके बाद हरकत में आई बीजेपी ने साफ चेतावनी देते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी अगर माफी नहीं मांगते हैं तो ये आंदोलन और भी बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में किया जाएगा, जिसके चलते अब देखना है कि कांग्रेस पार्टी माफी मांगती है या फिर बीजेपी का आंदोलन और भी बड़े तरह से होता रहता है। महाठगी के आरोप में गिरफ्तार संजय सिपुरिया से लगातार ईडी की पूछताछ में कई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसमें अब ईडी का शिकंजा उस पर कसता जा रहा है। सीधे तौर पर कई ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर ईडी ने कल लखनऊ जेल में संजय सिरपुरिया से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। इसमें कौन कौन से ऐसे ऑफिसर्स हैं जो उसके यूथ फाउंडेशन के एनजीओ में जुड़े हैं, साथ ही साथ उसकी दर्जन भर से ज्यादा कंपनियों में भी कई पूर्व आईएएस और आईपीएस जुड़े हैं जिनके कनेक्शन को भी ईडी ने पूछताछ की। हालांकि उसकी ऐसी कई कंपनियों में बड़े पैमाने पर ट्रांजेक्शन हुए, जिसमें उसके यूथ फाउंडेशन में 6 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ, उसको लेकर भी पूछताछ हुई। हालांकि संजय सिरपुरिया की शिकायतें पहले भी कई बार हो चुकी, लेकिन उसके रसूख के चलते उस पर कोई भी हाथ डालने को तैयार नहीं था। जैसे ही यूपीएसटीएफ को केंद्रीय एजेंसियों से इनपुट मिले, उसके बाद लगातार उस पर कार्रवाई का दौर जारी है और उन सभी तथ्यों को खंगालने में लगातार ईडी भी अब जुट गई है, क्योंकि बड़े पैमाने पर ट्रांजेक्शन ने ईडी के कान भी खड़े कर दिए हैं। मुजफ्फरनगर के रतनपुरी थाना क्षेत्र के भनवाड़ा गांव में आज एनआईए की टीम ने दस्तक दी है। एनआईए की टीम ने यहां पर मौलाना कासिम के मकान पर छापेमारी की है और छापेमारी लगभग 2-3 घंटे तक जो मौलाना कासिम है उनके परिजनों से बातचीत हुई है और पूरी तरह से घर में तलाशी भी ली गई है। स्थानीय पुलिस भी यहाँ पर मौजूद रही। एनआईए की टीम के जाने के बाद मौलाना कासिम से के जो फादर है जहीर अहमद, उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि उनका जो बेटा है वो देवबंद के पास एक गांव में एक मस्जिद में इमाम का काम करता है और उसी को लेकर एनआईए की टीम आई है। उससे संबंधित कुछ बातें जो है एनआईए की टीम ने पूछी है और घर की तलाशी ली है, लेकिन हमारे घर में कोई ऐसी संदिग्ध चीज़ नहीं मिली है और उसके बाद एनआईए की टीम यहाँ से चली गई है। एनआईए की टीम ने किसी भी मीडियाकर्मी से कोई बात नहीं की है, दूरी बनाकर रखी है। अब ये क्या किस बात को लेकर आए थे ये तो अब आगे ही पता चल पाएगा। रामपुर में बेटियों को पढ़ाने के लिए भाजपा विधायक आकाश कुमार सक्सेना ने एक अनोखी पहल शुरू की है। उन्होंने एक दिन की विधायक बनाने के बाद स्नेहा को वो अधिकार देने की कोशिश की और उसके अंदर आत्मविश्वास जगाने की कोशिश की जिसके जरिए वो आगे बढ़ सके। एक दिन का विधायक बनने के बाद जहां इस लड़की ने अपने आप को स्थापित करने की कोशिश की, तो वहीं अधिकारियों को आदेश दिए कि जो गरीबों को के हक़ हैं उनको दिए जाएं और गरीबों की ज़मीनों पर जो अवैध कब्ज़े हैं उनको हटाया जाए और उन कब्ज़ों को हटाने के बाद लोगों को राहत दी जाए। तो इस तरह से उसने अधिकारियों को आदेश और निर्देश दिए जिसे देखते ही बनता था। इस दौरान उसके परिवार के लोगों का, स्नेहा के परिवार और उसके लोगों की खुशी देखते ही बनती थी। उसको उसी स्टाइल में लाया गया था जिस स्टाइल में विधायक चलते हैं, उसको वही प्रोटोकॉल दिया गया था।
और जुनून और लगन के साथ कोई भी कार्य किया जाए तो सफलता निश्चित है, इस बात को सिद्ध करके दिखाया है अंकित ने। आपको बता दें जनपद पीलीभीत में नगर पालिका परिषद पीलीभीत में अधिशासी अधिकारी के रूप में 14 अप्रैल को ज्वाइन किया अंकित जी ने, अपना पद अपना कार्यभार संभाला और वहीं अवकाश के बाद वो अपने घर चले गए। अंकित खरेती गांव के रहने वाले हैं, तहसील जुलाना और जनपद जीव हरियाणा राज्य में पड़ता है। वहां से इनकी ज्वाइनिंग अधिशासी अधिकारी के रूप में पीलीभीत में निकाय चुनाव से ठीक पहले और कार्यभार संभालने के बाद ये वापस अपने घर चले गए और संघ लोक सेवा आयोग में की परीक्षा के लिए तैयारी में जुट गए। इधर जिम्मेदारियों के साथ, घर की जिम्मेदारियों के साथ ये तमाम जिम्मेदारियों को निवाहन करते हुए इस बीच अपनी परीक्षा की लगन से तैयारी लगातार करते रहे, जिसका नतीजा रहा कि अंकित ने संघ लोक सेवा आयोग में 99 अपनी रैंक हासिल की और इस तरह से उन्होंने ये बड़ी सफलता हासिल की है। तो वहीं इस सफलता पर जनपदवासी व उनके संबंधित अधिकारी भी उनको शुभकामनाएं देते नजर आ रहे हैं, वहीं उनके परिवार में भी खुशी का माहौल है। अयोध्या की विदुषी सिंह बनी IAS, 13वीं रैंक लाकर उन्होंने किया टॉप। बताते चले कि विदुषी सिंह अयोध्या जिले की रहने वाली हैं, जो अपने मामा झारखंडी वार्ड के पार्षद ब्रजेंद्र बहादुर सिंह के यहाँ रहती है और JB कॉलोनी में वो पूरे परिवार के साथ रहती है। विदुषी ने टॉप करने के बाद कहा कि सेल्फ स्टडी करने से ही सफलता मिलती है। युवाओं को उन्होंने मैसेज देते हुए कहा कि खुल पे कॉन्फिडेंस रखें और सेल्फ स्टडी करें तो सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। संघ लोक सेवा आयोग में चयनित होने के बाद पूरे अयोध्या में खुशी का माहौल है। इसके साथ साथ परिवार में भी लोग मिठाइयां बांटकर खुशियां मना रहे हैं। अयोध्या की केंद्र सरकार के बाद से अब एक साल का और वक्त मिल चुका है स्मार्ट सिटी बनने के लेकर के, यानी कि साफ है कि जिस तरीके से जून 2023 तक इस कार्यों को पूरा किया जाना था, लेकिन अब जो है वो तिथि बढ़ा दी गई है, यानी वो 2024 तक के स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आने वाले 10 जिले होंगे और 10 जिलों को यूपी सरकार में स्मार्ट सिटी बनाने की योजना के अंतर्गत काम करना होगा। यानी कि जिस तरीके से लगभग 10 सिटियों को जो है काम कराने को लेकर के, स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर के बड़ा भारी प्रोजेक्ट दिया गया था, लेकिन अब उसकी समय बढ़ा दी गई है, यानी एक वर्ष और बढ़ा दिया गया है। एक वर्ष के बाद से अब वो अधूरे कार्यों को पूरा किया जाएगा, यानी कि अब तक जो है कुछ 5 ऐसे जिले हैं जहां पे अब तक काम अधूरा चल रहा था, लेकिन कुछ जगहों पे लगभग 30% ही कार्य हुआ था। इसको लेकर के अब सरकार ने ये योजना बनाई है कि लगभग एक वर्ष का समय और देना चाहिए, जिसके बाद से स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आने वाले जिलों में स्मार्ट और विकास कार्य हो सके। केंद्र सरकार स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। पूर्व में भी जो अवैध अस्पताल हैं, जो झोला छाप डॉक्टर हैं, जो कहीं ना कहीं मरीजों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, चाहे वो खेरागढ़ की बात हो, चाहे जगनेर की, चाहे फतेहपुर सीकरी की, पूरे आगरा के देहात में झोला छाप डॉक्टरों की भरमार पड़ी हुई है। वहाँ एक तरफ जब बिना डिग्री के, बिना लाइसेंस के, बिना कोई NOC के तमाम हॉस्पिटल संचालित है, जिन पर आखिरकार आगरा स्वास्थ्य विभाग गहरी नींद में सोया हुआ, जिसमें पूर्व में भी कई मामले हुए हैं। केवल और केवल स्वास्थ्य विभाग के खाना पूर्ति करता है, उन हॉस्पिटलों को सीज कर देता है और 10 दिन के बाद उनकी सीज खोल देता है। कहीं ना कहीं आखिरकार स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही है, जहां लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ हो रहा है। यहां बिना DNC और डिलीवरी का बड़ा हब माना जाता है खेरागढ़ और जगनेर को। आखिरकार स्वास्थ्य विभाग ऐसे अवैध अस्पतालों पर कब करेगा कार्रवाई? जहाँ एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारी जमीनों पर जिस तरह से भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जा कराया गया है, उसको उस पर बुलडोजर चलाकर गिराया जा रहा है और सरकारी ज़मीन को अमुक्त कराया जा रहा है, वहीं जौनपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के कटघरा का मामला है, जहाँ हाईकोर्ट ने भी इसको संज्ञान में लिया है। सरकारी जो बंजर की ज़मीन है उस पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। हाईकोर्ट ने साफ निर्देशित किया है कि उस सरकारी ज़मीन को अमुक्त कराकर सरकार के काम में लगाए, लेकिन अब तक सरकारी महकमा यहां पर जागा नहीं है, ना तो लेखपाल, ना तो कानून, ना तो SDM, जो कि बेशकीमती ज़मीन है, सरकारी जो ज़मीन है उस पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जा कराया गया है। हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है कि इसको तत्काल प्रभाव से भूमाफियाओं से अमुक्त कराकर सरकारी कार्य में उसको किया जाए, जिसको देखते हुए लगातार जिस हिसाब से योगी सरकार की मंशा है
की भूमाफियाओं के द्वारा जो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है उसको अवमुक्त कराए, लेकिन जौनपुर का जिला प्रशासन पूरी तरह से सो रहा है। सरकारी जमीनों पर किस तरह से भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं। राजधानी के हाइजिया इंस्टीट्यूट में छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर लगातार जांच चल रही है। ईडी की जांच में तमाम खुलासे हुए हैं। हाल फिलहाल में जब ईडी ने कई छात्रों से और कई प्रबंधकों से जब इस बारे में पूछताछ की है तो तमाम तथ्य निकलकर सामने आए, जिसमें ये जाहिर हो रहा है कि एक छात्र के नाम पर कई इंस्टीट्यूट से छात्रवृत्ति वसूलने का काम किया गया है। हालांकि 50 से ज़्यादा छात्रों और प्रबंधकों का बयान ईडी ने दर्ज किया और जल्द ही हाइजिया इंस्टीट्यूट के संचालक और मालिक पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से छात्रवृत्ति घोटाला हाइजिया इंस्टीट्यूट में निकलकर सामने आया था उसके बाद से ईडी लगातार इस प्रकरण में जांच कर रही है। अब देखना होगा कि जिन छात्रों के नाम पर एक से अधिक कॉलेज से छात्रवृत्ति वसूली गई है, क्या वाकई में उन छात्रों का कोई अहम रोल था या फिर हाइजिया इंस्टीट्यूट के संचालक प्रबंधकों का उसमें रोल था। ऐसे में ईडी की जांच में आने वाले समय में और क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आएंगे। जालौन में दो पक्षों में विवाद हो गया, देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी, जिसे देख आसपास मौजूद लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी, पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को हिरासत में ले लिया। मामला थाना क्षेत्र के गांव का है, जहां पर दो पक्षों में विवाद हो गया। वहीं एक पक्ष का कहना कि गाँव के ही दो युवक एक युवती का मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजते थे, जिसका उन्होंने विरोध किया तो उक्त लोगों ने मारपीट की और वह इस मामले को पुलिस का कहना है कि दुकान पर सामान लेने को लेकर विवाद हुआ है। उधर सामान ना देने पर मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर। अग्निशमन विभाग के द्वारा ताबड़तोड़ छापेमारी से जहां संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं आज 17 कोल्ड स्टोरेज व आइसक्रीम फैक्ट्री पर कार्रवाई करते हुए करीब 9 जो संचालक हैं कोल्ड स्टोरेज और आइसक्रीम फैक्ट्रीज के जो संचालक हैं उनको नोटिस जारी किया गया है और 2 दिन का समय दिया गया है कि आप जवाब दीजिए, अन्यथा सीजिंग की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जिस तरह से एक्शन मोड में इस समय अग्निशमन विभाग दिखाई दे रहा है, लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी निरंतर जारी है और वहीं अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और इसके बाद ये कार्रवाई कहीं ना कहीं जो प्राइवेट नर्सिंग होम चल रहे हैं, जो बिना मानक के नर्सिंग होम चल रहे हैं, जिनके पास अग्निशमन की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, उन पर भी कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। कानपुर नगर में लगातार अवैध निर्माण जारी है। केडीए के अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही और नजर देखी की वजह से लगातार अवैध निर्माण जारी है। बात करें तो जोन 2 की, जहां पर लाल बंगला स्थित चंद नगर में 134A बिल्डिंग लगातार अवैध तरीके से तैयार की जा रही है, जिसमें बेसमेंट भी खोद दिया गया है जो कि मानक के विपरीत है। इलाकाई लोगों ने इस मानक विपरीत बन रही बिल्डिंग की शिकायत भी की है, लेकिन केडीए अधिकारी कर्मचारी लगातार इसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इस अवैध निर्माण को क्यों नहीं रोका जा रहा है। यह भी बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग को बिल्डर मुस्तकीन द्वारा बनाया जा रहा है, जो कि पूरी तरह गलत है। बिना नक्शा पास बेसमेंट खोदने की अनुमति नहीं है, उसके बाद भी अवैध निर्माण किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 3 मंजिल इस मकान को बना दिया गया है, लेकिन जो सुपरवाइजर जिनकी जिम्मेदारी होती है कि क्षेत्र में किसी भी तरह के अवैध निर्माण ना हो सके, उसकी रिपोर्ट अधिकारी को दे, जिससे कि अवैध तरीके से हो रहे निर्माण को रोका जा सके। लेकिन चंद नगर में जिस तरह मानक के विपरीत या बिल्डिंग तैयार की जा रही है वो टोटल गलत है। कहीं ना कहीं आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी बिल्डिंग खतरा बनी रहेगी। उसके बाद भी लगातार रेकेडियो और कर्मचारी इसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। अब देखने की बात यह होगी कि इस शिकायतों के बावजूद क्या केडीए अधिकारी और कर्मचारी इस मामले को संज्ञान में लेंगे, मुस्तकीन बिल्डर पर कार्रवाई करेंगे या नहीं, या फिर इस तरह जो मानक विपरीत बिल्डिंग तैयार की जा रही है क्या उसे काम को रुकवाया जाएगा, यह एक बड़ा सवाल है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तराखंड में बदले मौसम ने कल देर रात जमकर उत्पात मचाया है, जबकि आज भी मैदानी इलाकों में बूंदाबांदी और पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है। आंधी और अंधड़ से हुए हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1 दर्जन से अधिक बड़े पेड़ टूटने की घटनाएं हुई हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 48 घंटों में मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही रहेगा और 25 तारीख को मौसम और भी बिगड़ सकता है। लिहाजा जो लोग यात्रा मार्ग पर जा रहे हैं या यात्रा करने जा रहे हैं, उन्हें बेहद सावधानी बरतने की और मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक ही यात्रा करने की जरूरत होगी।